अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम एक रिसर्च पेपर को रिव्यू करेंगे और वो रिसर्च पेपर हमारे पास डेटा माइनिंग फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे चैनल के ऊपर आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही ट्यूटोरियल्स अपलोड होता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है हमारे पास डेटा माइनिंग का। अगर आप अपने मास्टर्स के लिए डेटा माइनिंग फील्ड के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आप उससे इससे रिलेटेड एक पेपर हमारे साथ मौजूद है और इस पेपर का हम रिव्यू करेंगे। इस पेपर में किस तरह से काम किया गया है, कौन कौन से टेक्निक्स को फोकस किया गया है और ये पेपर आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। पेपर्स का रिव्यू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया दिखाया जा सके कि इस टाइप से भी काम हो सकता है और उसके अंदर आप अपनी चीज़ें ऐड करके, अपनी वैल्यूज़ ऐड करके, आप अपनी डिफरेंट टेक्निक्स ऐड करके किस टाइप से आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशनल डेटा माइनिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा डेटा माइनिंग से रिलेटेड है। डेटा माइनिंग के भी अंदर हमारे पास एक फील्ड आती है एजुकेशनल डेटा माइनिंग। तो इस पेपर में बात की गई है एजुकेशनल डेटा माइनिंग के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। ठीक है, पेपर के आप देख सकते हैं जो ऑथर्स हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन है और हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ के इस पेपर में किस टाइप से काम किया गया है और आपको ये पेपर किस टाइप से हेल्प कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस पेपर में कौन कौन सी चीज़ों को फोकस किया गया है। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड्स द स्किल टू लीड अ हेल्दी प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ टू द लर्नर्स। Of course, the beneficial outcomes are directly proportional to the quality of the education being received by the students. Pakistan is a developing country and is facing numerous challenges, limited resources under bad governance and non-consistent policies are more damaging the other issue than other issues. Gender discrimination along with social and economic segmentation in the society are also damaging the present weak education system. The cure against these curses demand full utilization of the available resources and potentials under a systematic advanced control and monitoring system for education. Efficient data collection systems are required to counterbalance fraud like ghost schools in the southern Punjab and interior Sindh. Once authentic data collection is made possible, inferring meaningful knowledge for policies development is achievable with the help of proven developed techniques in the field of educational data mining, classification and association clustering classification and association clustering and regression along with decision tree are the most suited techniques to serve the purpose. Understanding the importance of educational data mining techniques along with how Pakistani's educational system can be benefited with the implementation of these techniques is the significant importance for providing quality education. अच्छा, अब इस abstract में लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें mention की हैं, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन सी problems मौजूद हैं, किस किस type से educational जो systems हैं उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब कौन इन चैलेंजेस के बेस के ऊपर इन लोगों ने ये सोचा है कि हम जो है वो कुछ माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करके उस डेटा के बेस के ऊपर जब उनको हाईलाइट कर देंगे तो फिर हम उसमें से बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजीज बना सकेंगे जिसकी वजह से उन चैलेंजेस को ख़त्म किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, ओके, डेटा माइनिंग का मकसद ही हमारे पास ये होता है कि आप जो है वो एक डेटा सेट में से कुछ इस टाइप की चीज़ें, कुछ इस टाइप के पैटर्न्स निकाल कर सामने लेकर आएँ जो कि आपको आगे चल के फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करने में और डिफरेंट चीज़ों में आपकी हेल्प करें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं आप उसके थ्रू, जिसके थ्रू आपकी जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा है। इंट्रोडक्शन सेक्शन में यहाँ पर इन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते
सकते हैं कि बैकग्राउंड के हवाले से बात की है और कुछ पेपर्स को यहाँ पर रेफ़र किया है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। हम जस्ट ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है और इस टेबल में इन्होंने शो करवाया है बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो उस वो कौन कौन से बेनिफिट्स हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए किस टाइप के बेनिफिट्स एजुकेशन में हो सकते हैं। ओके, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में थोड़ी देर जो है वो पॉज कर रही हूँ, अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं और चलते हैं ना यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर इन्होंने डेटा माइनिंग के हवाले से कुछ बात की है कि डेटा माइनिंग किस टाइप का प्रोसेस है जिसमें से हम हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं अवेलेबल डेटा को यूज़ करते हुए, ये तो हमें पता ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डेटा माइनिंग एप्लीकेशन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज नॉन एज, उन्होंने एजुकेशनल डेटा माइनिंग के हवाले से यहाँ पर कुछ बात की है, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल शो किया है, ये टेबल क्या चीज़ दिखा रहा है हमें, कंपैरिजन ऑफ ई कॉमर्स एंड एजुकेशनल डेटा माइनिंग। अच्छा, ई कॉमर्स और ई डी एम के अंदर कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं, किस टाइप का डेटा अवेलेबल हो सकता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स किस टाइप से डिफर करते हैं, टेक्निक्स इनमें कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं, ये इन्होंने इस टेबल के अंदर शो करवाया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक फिगर दी है और इस फिगर में इन्होंने क्या शो करवाया है, ई टी एम एप्लीकेशन लाइफ साइकिल फॉर एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूवमेंट। एजुकेशनल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए ई टी एम साइकिल किस टाइप से काम करता है, ये ई टी एम साइकिल है। यहाँ पर हमारे पास एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, कोर्स कंटेंट हो सकता है, ग्रेड्स हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स हो सकती हैं एक्सेट्रा। उसके बाद आप यहाँ पर डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एसोसिएशन रूल माइनिंग हो गया एक्सेट्रा। अच्छा, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे नॉलेज, ठीक है, और डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं किसको, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, टीचर्स को, लेक्चरर्स को और बहुत सारे लोगों को जो कि आपके आप कह सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन यहाँ पर इन्होंने एक नेक्स्ट सेक्शन दिखाया है, वो है चैलेंजेस एंड करंट शॉर्टकमिंग्स का, कौन कौन सी करंट चैलेंजेस हैं और करंट शॉर्टकम्स हैं एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर, ये इन्होंने यहाँ पर जो है पैराग्राफ रखा है। इसको मैं रखती हूँ स्लो स्लो स्क्रॉल डाउन ताकि ये आप अगर इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप डिटेल में कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रही, मैं जस्ट ओवरव्यू ले रही हूँ कि ये पेपर किस टाइप से, हमने जस्ट एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट किया है, उसकी मेन हेडिंग्स देखा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट सेक्शन रखा है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल्स का, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। देन यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट आप कह सकते हैं एक सेक्शन रखा है एजुकेशनल डेटा माइनिंग का, जिसमें इन्होंने और डिटेल वे में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशनल डेटा माइनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से टेक्निक के बारे में इन्होंने बात की है, क्लस्टरिंग के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात की है। देन यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन रूल माइनिंग को डिस्कस किया है। ओके, देन उसके बाद डी में इन्होंने सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया है। सीक्वेंसिंग के सेक्शन के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कॉन्क्लूजन ऐड किया है। फाइनली कॉन्क्लूजन अगर हम रीड करें तो यहाँ पर इन्होंने चीज़ मेंशन की है, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज़ अ वाइटल साइन ऑफ अ कंट्रीज एक्सेलेंस। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन फॉर द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल आर इमेंस। क्वालिटी एजुकेशन कैन बी अचीव थ्रू डिलीवरेबल एजुकेशन सिस्टम एंड क्लियर टारगेटेड गोल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, इकोनॉमिकली एंड सोशली स्प्लिट, कल्चरल सेगमेंटेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर मेजर इशूज फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। परफॉर्मेंस अगेंस्ट दीज इशूज डिमांड्स अ डायनेमिक एंड अप टू डेट एजुकेशनल सिस्टम। अलाइंट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन फॉर हैंडलिंग दीज चैलेंजेस इज द नीड फॉर द आर कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस रिक्वायर्स सूटेबल नोड सिलेक्शन एंड रिलायबल डेटा कलेक्शन फॉर अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ लार्ज एजुकेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लर्निंग सिलेक्टेड डेटा सब्जेक्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स
स्पेशल स्किल सेट डेवलप। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने, इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस पेपर में इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने बेसिक चैलेंजेस जो के फेस कर रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम्स, उनको, उन चीज़ों को हाईलाइट किया है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, और डिफरेंट टेक्निक्स के हवाले से बताया कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, उनके हवाले से बात की है। तो ये पेपर है, इस तरह से आप जो है वो अपना पेपर, इसके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऐड करके इस टाइप का, जैसे कि इन्होंने ये एजुकेशनल सिस्टम के अंदर किया है, इस तरह आप ये किसी और सिस्टम के अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करके अपना रिसर्च कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।